कामिका एकादशी महात्म्य। धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, आषाढ़ शुक्ल देव सयानी एकादशी और चतुर्मास से महात्म्य मैंने वाली प्रकार से सुना है, अब कृपा करके श्रावण कक्ष एकादशी का क्या नाम है सो बताएं। श्री कृष्ण ने कहा, इस एकादशी की कथा ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद से कही थी। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष को की एकादशी कथा सुनने की मेरी इच्छा है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, लोगों के हित के लिए तुमने सुंदर प्रश्न किया है। श्रावण मास की कृष्ण एकादशी का नाम कामिका है। उसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन विष्णु भगवान का पूजन होता है। ब्रह्मा जी ने बताया कि जो फल गंगा काशी नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान से मिलता है वह विष्णु भगवान के पूजन से मिलता है। जो फल सूर्य चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र व काशी में स्नान करने से, समुद्र वन सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान से भी प्राप्त नहीं होता, भगवान विष्णु के पूजन से मिलता है। ब्रह्मा जी ने कहा कि जो मनुष्य श्रावण में भगवान का पूजन करते हैं उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि हे नारद, कामिका व्रत से जीव कुयोनियों को प्राप्त नहीं होता। इस दिन तुलसी दल से भगवान का पूजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से कई पापों से मुक्ति मिल जाती है, इसलिए हमें कामिका एकादशी का व्रत पूरे मन से करना चाहिए, जिससे हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। धन्यवाद।